क्वेश्चन है, हमें कहा गया है सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर एक्स है और उसके डबल को जब सम करें यानी जमा करें, इज का मतलब बराबर, 12 आएगा नंबर निकालें। ठीक है, क्या है, क्या कहा गया है, एक नंबर और उसके डबल को जमा करें, ये होता है डबल, यानी नंबर एक्स है उसका डबल क्या होगा, 2x, इनको जमा करें तो इज 12 बराबर 12 है। ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, अगर बेस सेम हो तो कोएफिशिएंट जमा कर लेते हैं, यहाँ नहीं है ना 1 है, इसका 2 है, 2 और 1 3, एक्स वैसे आ जाएगा इक्वल टू 12। अब यहाँ जब रकम हो दरमियान में कोई लामत ना हो तो वो जब दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड हो जाती है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। सेम टेबल से काट सकते हैं, 3 1s are 3, 3 4s are 12। ठीक है, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं सम ऑफ अ नंबर एक्स, एक नंबर एक्स है उसको जमा करें उसके डबल में, इज 15 यानी बराबर क्या आएगा, 15। एक्स वो नंबर है और उसका डबल है 2x, इन दोनों को हमने जमा किया, इज 15 का मतलब बराबर क्या आएगा, 15। अब ये भी एक्स, ये भी एक्स, इसका आंसर 1 है और इसका 2 है, 2 और 1 3, एक्स हो जाएगा इक्वल टू 15। दोनों में कोई लामत नहीं दरमियान में, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 3 5s are 15, तो ये 5 हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर जो है एक्स, जो एक नंबर है उसका 5 टाइम्स का मतलब है 5x, यानी अगर वो नंबर एक्स है तो उसका 5 टाइम्स क्या होगा, 5x, इज का मतलब होता है बराबर, 100। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, दोनों में कोई लामत नहीं है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सेम टेबल से कटिंग कर सकते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 का या आ गया 20। ऐसे नहीं समझ आती तो 100 को अंदर रखें और 5 से डिवाइड कर लें, 5 2s are 10, 0, एक 0 ऊपर लगाएंगे और एक इसके नीचे लगा लेंगे ऐसे। ठीक है।